हमको रिंकू देवी कहते हैं। हाँ जी नमस्ते। और जो सामने बैठे हैं सिद्धू साहब, वो हमको जब अकेले में मिलते हैं ना तो हमको सेक्सी सेक्सी कहते हैं। अच्छा सिद्धू जी, और इनको तो सब चिकनी चमेली कहते हैं, आपको हैंडसम हंग कहते हैं, और वो जो बैठे हैं वहाँ पे वो कुछ भी कहते हैं, लोग हंसते रहते हैं। रिंकू भाभी आज इधर कैसे आप? हम बदला लेने आए हैं। किस चीज का? हमारे जो हस्बैंड है ना, उनके सपने में कटरीना कैफ आती है रोज, तो हम सोच रहे हैं हम क्या सिद्धार्थ के सपने में आएंगे तो बदला ले लेंगे उनसे। क्यों बच्चे को डरा रहा? बच्चे होंगे आपके लिए, हमारे लिए तो भरे पूरे मर्द हैं वो। अरे वाह। उनका जब पिक्चर आया था ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसी वक्त से सोच लिया था इनके प्रिंसिपल बन के रहेंगे हम। हाँ देखो रिंकू भाभी, आप प्रिंसिपल मत बनो, आप मुझे एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम शूट करना है, आप होस्ट बन जाओ। मुझे कहीं जाना है, मुझे थोड़ा काम है। अच्छा आप होस्ट बन जाओ, ठीक है? हमने कभी किया नहीं। अरे कौन भैल करोड़पति नहीं देखती हैं आप? देखती हूँ, सिटी केबल पे जो आता है उसमें पार्टिसिपेट किया, आप होस्ट बस किया नहीं। तो कोई बात नहीं, आज होस्ट करिए, जल्दी जल्दी लेके आइए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी केबल का प्रोग्राम कौन भैल करोड़पति में। और इधर हमारे साथ हॉट सीट पर बैठे हुए हैं सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। अगर आपको बैठने में तकलीफ हो रहा हो तो हमारा गोद में भी आकर बैठ सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, अगर बैठ सकते हैं। और इधर हमारे साथ बैठी हुई है कटरीना कैफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाभी जी आप खुश नहीं है क्या? क्या हुआ बताइए, मतलब आपकी आवाज से ऐसी फीलिंग आ रहे हैं मुझे, लेकिन अब जैसे आप, आपका हीरो है। होता है बहुत हैंडसम हैंडसम, हमारा हीरो देखेंगे तो जीरो से भी नीचे है, माइनस में है। हम तो अपना जिंदगी कैसे निकाल रहे हैं आपको पता नहीं है। बहुत मुश्किल जीवन है हमारा। वैसे भी आपका हस्बैंड कहाँ है इस वक्त? और लेटा होगा घर पे, बैठा रहता है, सुबह कारखाना जाता है, 4 बजे कुंडी खोल के वापस घर पे आ जाता है। कुंडी खोल के? तो आप जब जाती है तो कुंडी बंद होता है? किसका? आपका? हमारा नहीं, कारखाना का कुंडी। गेम का रूल हम आपको बता देते हैं। जी। बहुत ही सीरियस गेम है कौन भैल करोड़पति। अब गेम का रूल है, इसमें आपको 4 पाइपलाइन मिलेगा, पहला मिलेगा पाइपलाइन पाइपलाइन रहेगा 4। अच्छा एक नीचे है वो आपको मिलेगा ना, यूज कर सकते हैं। क्या लाइफलाइन की बात? अच्छा ऐसा है, चलिए एनीवे अभी हम लोग आपको बता देते हैं 4 जो लाइफलाइन का पाइपलाइन जो भी है वो है। ऑडियंस पोल है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आंसर का लायबिलिटी टेस्ट है। अच्छा अच्छा तो आप अपना ही रिस्क पे खेलिएगा। ओके या बिकॉज हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है आज। अरे मैं ये जो तुमने बात कही मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब इतना बड़ा एक्सपर्ट आपके सामने खड़ा है और कह रही एक्सपर्ट ही नहीं है, तुम्हारे मुंह को जेल होनी भी बनती है। हेलो सिद्धार्थ मल्होत्रा, मैं बहुत आपका फैन हूँ। अरे शुक्रिया कटरीना, मुझे तो आपका कैफ बड़ा पसंद है। मतलब मुझे मोहम्मद का कैफ इतना पसंद नहीं है, कटरीना कैफ पसंद है। सिद्धू आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सिद्धू साहब अच्छे लग रहे हैं, आप अपनी तरफ देखिए ना कैसा लग रहा है, टोपी पहन के खेल में आए हैं आप। तू भी तो साड़ी पहन के आई है। मैं सिद्धू साहब आपका इतना बड़ा फैन हूँ मैं बता ही नहीं सकता, मैंने बताने नहीं जाओ जो करना कर। आपको याद है आपका मैच था 1990 में? अच्छा भारत पाकिस्तान का मैच था, आपको वकार यूनुस 0 पे आउट कर दिया। मेरे को वकार यूनुस की वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने इसी चक्कर में मैंने आज तक नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया। एक मिनट, कैसा एक्सपर्ट है आप? मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, इनको पता ही नहीं है मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, मैं चलती बस से उतर जाता हूँ। मैं क्योंकि स्टॉप पे उतर पैसे मांगते हैं। मैं गालियों में इतना एक्सपर्ट हूँ आप यकीन करें, मैं पहाड़गंज में रहता हूँ। हाँ जी शादरा से बच्चे आते मेरे से गाली सीखने। इतने बदतमीज मैं उनको गाली सिखाता हूँ, मैं पैसे मांगता हूँ और गाली मेरे को दे जाते हैं। बाकी मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ आपका कटरीना जी। मैं आ गया, मैं कमली कमली यार दी कमली बहुत ज्यादा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कमली या ज्यादा ली हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं, अब हम गेम खेलेंगे। ये क्या, ये किसके लिए? यार मैं बचपन में मेरी माँ सीटी मारती थी, मैं सुसु करता था।
मैं आधा घंटे से मार रहा हूँ, होने जा, मेरी माँ ने पागल बनाया मेरे को। तो चलिए, हमारे बीच में एक्सपर्ट आ गए हैं और इनका नाम है मिस्टर राजेश अरोड़ा। अरोड़ा कम हमारी राह में, रोड़ा ज्यादा है। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। हाँ जी। उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। आप लोग तैयार हैं, लेकिन हमको अपना चेक करना है जरा। अच्छा, टैक्सी तो हम हैं, मान गए। मेरे मेरे मन में एक बात आ रही थी, मैं रोक नहीं पाया। हाँ। तुम जितनी मर्जी बिंदी सेट कर लो, वरना मुंह खराब ही लगेगा। नितिन साहब, मैंने एक बार बीमार लोमड़ी देखी। हाँ। आप यकीन नहीं करेंगे, उसका मुंह इससे ज्यादा सुंदर था। अच्छा, दिल्ली में मेरा कुत्ता जॉर्ज, वो मेरे साथ रहता है। मैं दोनों साथ में टीवी देख रहे थे, शाम को मेरी ड्रिंक वगैरह उसके साथ मैं ले लेता हूँ। वो बड़ा कुत्ता है, वो चुपचाप बैठा था, ये टीवी पे ही भौंकने लगा। उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया इसका मुंह। बिल्कुल भी जानता है अभी। हम कुत्तों का मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ है इधर। बहुत अच्छी बात है। हम इधर टीवी पे आ रहे हैं तो जनता का मुंह दिखा रहे हैं। पहला सवाल पूरा 50 लाख रुपया के लिए। पहला सवाल 50। 50 लाख रुपया कौन देगा? अच्छा। मुझे बात ना, मुझे समझ में नहीं आई कि ये सवाल पहले से घटिया था कि तुम्हारे मुंह से निकलने के बाद हुआ। मुझे तुम्हारा सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगला सवाल पूछो। आप एक्सपर्ट हैं, बीच में पट पट मत बोलिए, समझे आप? यार एक बात मैंने भी बोली, मुझे तुम बहुत पसंद आए यार, मेरे बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए। चलिए अगला सवाल है पूरा 75 लाख रुपया के। वाह 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 वाह, ये क्या सवाल है? सिद्धार्थ और कटरीना, ये बताइए कि हनीमून के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? आपका ऑप्शन है ए शादी, बी मूड, सी मौका, या डी पार्टनर। सब जरूरी है। कुंडी कुंडी, दरवाजा बंद और कुंडी। अगर आप चाहें तो देखिए, बहुत लंबा 75 लाख रुपया का सवाल है। हाँ। आप एक्सपर्ट का राय ले सकते हैं, लेना चाहें एक्सपर्ट का राय ले इसके बारे में। देखो बेटे, राय है ऐश्वर्या का, मेरा रोड़ा है, लेना तो ले लो। चलिए चलते हैं हम अगले राउंड की तरफ। राउंड लिया है। अगला सवाल है पूरा 3 करोड़ रुपया के लिए। सीख रहा है, सीख रहा है। सवाल मैथमेटिक्स का है। ओह, गणित का सवाल है। हाँ जी। कितने में से कितना निकालेंगे तो 0 बचेगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन भी हमारे पास 4 है। कुछ में से कुछ, बी थोड़े में से थोड़ा, सी बहुत में से बहुत, या डी सब में से सब। सब में से सब। फोनो फ्रेंड। नहीं, गलत है। सब में से सब निकाल दोगे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कहाँ आएगा? मुझे तुम्हारा लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगले सवाल में हमको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अगला सवाल हमारे बारे में ही है। अच्छा अच्छा, बोलिए। आपका सवाल है कि हम कौन सा कपड़ा पहने तो कटरीना से ज्यादा सेक्सी लगेंगे। आपके ऑप्शन है ए 3-पीस सूट, बी शेरवानी, सी प्लाजो। प्लाजो होता है ना, प्लाजो। कितना हो, डी हो गया था? नहीं सी। डी मिनी स्कर्ट। मिनी स्कर्ट ई, उससे भी मिनी स्कर्ट,
उससे भी ज्यादा मिनी स्कर्ट, ई बहुत ज्यादा वो वाला पैंट, शेमलेस जीन्स, मतलब शेमलेस जीन्स, जी बैकलेस ट्राउजर, पूरा ऑप्शन सुनिए। जी के बाद क्या आता है? एफ। एफ तो हो गया था ना, एच एच। जी के बाद हमारा सिर्फ एबीसी में प्रॉब्लम है। एच बैकलेस ट्राउजर, किसमें ज्यादा सेक्सी लगेंगे? और ऑप्शन दे, जेड तक ऑप्शन। मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन होते चार। हाँ, इन्होंने दे दिए 3500, इतने ज्यादा ऑप्शन आप दे रहे। हमको कुछ भी करके सेक्सी दिखना है बस, कटरीना से ज्यादा हमारे पास नहीं बर्दाश्त कर सकते। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। मैं कैसे भी नहीं मानूंगा बेटे। नहीं, आपको मानना पड़ेगा, हम ऑडियंस पोल लेंगे। हम और यहाँ पे कटरीना जो है, यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ डांस वांस करके दिखाएंगे, ऑडियंस हमारा फैसला करेगी कौन ज्यादा हॉट है। ठीक है? ठीक है, और ज्यादा पसंद आया मेरे को। मेरे को बहुत। अब आप लोगों के सामने हो गया है, ऑडियंस अपना अपना पोल दे दो, बता दो कौन हॉट है ज्यादा। मेरे को ऑडियंस बड़े पसंद आए। काफी कंफ्यूजन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने सिद्धू साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सीक्रेट की बहुत फिल्में देखी हैं। हालांकि उसमें स्टोरी वगैरह कुछ नहीं होती, पर मजा बड़ा आता है। पर उसमें इतने गंदे गंदे एक्टर होते हैं, पर फिर भी आदमी देख लेता है। लेकिन तुम्हारा मुंह मुझे पसंद नहीं आया। सिद्धू साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सीक्रेट की बहुत फिल्में देखी हैं। हालांकि उसमें स्टोरी वगैरह कुछ नहीं होती, पर मजा बड़ा आता है। पर उसमें इतने गंदे गंदे एक्टर होते हैं, पर फिर भी आदमी देख लेता है। लेकिन तुम्हारा मुंह मुझे पसंद नहीं आया। बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ मैं। तुम इधर एक्सपर्ट बन के राय देने आए हो या हमारे मुंह के बारे में हिस्ट्री का चैप्टर बताने आए हो तुम? हमसे आप बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से छोड़ कर सब। तू आप बोल रहे थे हमारा मुंह ऐसा क्यों रहता है, हमारे मोहल्ले में ऐसा लोग रहता है इसलिए हमारा मुंह ऐसा रहता है। हम यहाँ से जा रहे हैं, हमको नहीं खिलाना खेलना है करोड़पति, हमारा दिल बच गया है, हमारा तो दिल बच गया है, बहुत मुश्किल है जीना हमारा। हमारा घर में एक बेडरूम है, इधर हम सोते हैं, इधर हमारी ननद सोती है, इधर हमारे पति सोते हैं, बच्चा कैसे होगा बताइए। आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। कुंडी हो भी तो क्या करें, कुंडी बीच में है ना कुंडा हमारा नाना, क्या करेंगे कुंडी का, हमारा जिंदगी खराब हो गया। एक्सपर्ट जी से पूछिए क्या करें। सारा दिन हस्बैंड घर पे रहता है, दो मिनट बाहर जाए आदमी आराम कर ले, नहीं घर पे सिर पे दाल गलता है हमारा। हमारे हस्बैंड का कर्नाटक प्लेस करते हैं ना सिटी कैबिन में, वो सारा। तुम्हारा हस्बैंड बाहर नहीं जाता, तुम बाहर चली जाया करो। अब हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम आज यहाँ से जा रहे हैं। आप रो मत। मैंने पहले भी कहा, अरे हम जहाँ आप लेके जाएंगे आपके साथ जा रहे हैं ना। हम तो बार बार देखने जा रहे हैं, तो हम भी बार बार देख लेंगे उसमें क्या है। इनकी फिल्म बार बार देखो, लेकिन इनका मुंह एक बार देख लो आप। देख लो, मैंने वो आपकी आम वाली एड देखी थी, जो आम में से रस निकलता है ना, जो आप ऐसे होटो में गिरता है, मैं कहता हूँ बड़ा मीठा था। अच्छा, इनके आम में से रस निकलता है, हमने आम लाए कीड़े वाले निकले। आइए एक सेल्फी लेते हैं आपके साथ, बहुत मजा आया आपको देखे। मतलब जितना मुझे इसका मुंह गंदा लगा, उतना आप दोनों को अच्छा लगा। आइए मैं आपके साथ सेल्फी लेता हूँ, आइए आइए। आप देखिए हमारा ऐसा नहीं है मुंह, इतना गंदा नहीं है। आइए आइए, आप भी इधर आइए। हमारा आ ही नहीं रहा, कवर करके खड़ा हो गया। कटरीना आप इधर आ जाइए, आपका हमको बाहर कर दो, बाहर बाहर रहो, ध्यान से आपका मुंह आ रहा है, बाहर हो जाओ।